कैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यूज एक्विलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ द 3m या 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल गाइस, जैसे हमने दूसरा करा था ऐसे ही है। देखो, हमें पहले मानना लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी थ्री, और हमने बी इक्वल टू थ्री कैसे मान लिया, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3m, 3m प्लस 1। मैंने बोला था इसके पास जो भी कोई नंबर होगा, कोफिशियंट बोलते हैं, जो भी जितना भी नंबर होगा हम बी इक्वल टू इतना ही लेते हैं, हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो ए इक्वल टू हम लेंगे 3m प्लस r। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किसी का भी पॉजिटिव और इंटीजर का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव और इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या है, इंटीजर है, अगर इंटीजर से कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इंटीजर नंबर है और कुछ नहीं है, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है किसी, जैसे कि आप ले लेते हो ए इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, तो कह रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर टू 2 जा 4, और इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, जो भी यहाँ पर नंबर होगा कोफिशियंट होगा इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से, तो रिमाइंडर 1 आ गया। आप कुछ और ले सकते हो, जैसे कि 3 ले सकते हो, तो कह रहा इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कह इसका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 3 3 9, उसका स्क्वायर कर दिया और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आया, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया और यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया, तो यही रिमाइंडर आता है ना, तो आपको ये लिखना ज़रूरी है, सो रिमाइंडर 0 और 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 3m प्लस 0, 0 लिखो है मत लिखो, 3m प्लस 1। और गाइस ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखनी, इसकी वजह से आपको टीचर एक आध हाफ नंबर काट सकता है अगर आपने नहीं लिखी तो। हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m प्लस 1। और एक क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त है।